दोस्तों सब्सक्राइब करें टॉप मस्ट को और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पाएं सबसे पहले। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉप मस्ट। दोस्तों आज छोटे पर्दे पर टीवी सीरियल्स की भरमार है, तो वहीं इन टीवी शोज में कुछ टीवी शोज ऐसे भी हैं जो अब बंद हो चुके हैं, लेकिन वो शोज आज भी दर्शकों के दिल में बसे हुए हैं और आज भी दर्शक उन टीवी शोज को याद करते हैं। और इन्हीं में से एक टीवी शो था कहीं तो होगा, जी हाँ, जो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हो कि इस शो के लीड एक्टर्स आज कहाँ हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? तो दोस्तों इन सभी बातों को जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों टीवी शो कहीं तो होगा के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों टीवी शो कहीं तो होगा में काम करने वाली अभिनेत्री का असली नाम आमना शरीफ है। आमना शरीफ का जन्म 16 जुलाई 1982 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की, उसके बाद ये टीवी शो कहीं तो होगा में लीड रोल निभाते हुए नजर आई और जिसमें इनके अभिनय को काफी पसंद किया गया। ये शो उस समय काफी ज्यादा पसंद किया जाने वाला टीवी शो बन गया और साथ ही साथ सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टीवी शो बन गया। लेकिन आमना शरीफ छोटे पर्दे पर ज्यादा दिनों तक नजर नहीं आई और बहुत जल्द ही इन्होंने अपना रुख बॉलीवुड की तरफ कर लिया और पहली ही बॉलीवुड फिल्म आलू चाट में वे आफ्ताब के साथ काम करते हुए नजर आई। वहीं मोहित सूरी की फिल्म एक विलन में भी ये नजर आ चुकी हैं, लेकिन जो सफलता इन्हें छोटे पर्दे ने दिलाई वो सफलता बॉलीवुड में ये हासिल नहीं कर पाई। और साल 2013 में इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड अमित कपूर से शादी कर ली, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर हैं। वे आज भी फिल्मों में छोटे मोटे रोल निभाते हुए नजर आती हैं। वक्त के साथ साथ आमना शरीफ और भी ज्यादा खूबसूरत और हॉट हो चुकी हैं, जैसा कि आप उन्हें तस्वीरों में देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या छोटे पर्दे पर आमना सफल करियर छोड़कर बॉलीवुड की तरफ जाने का उनका जो फैसला था वो सही था या गलत, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। स्टे ट्यून्ड, नमस्कार।